नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने दिल्ली से कटरा और कटरा से वैष्णो देवी भवन तक की यात्रा दिखाई जो कि बहुत ही आनंदमयी रही। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां हम आपको देना भूल गए, जैसे कि रूम टैरिफ एट निहारिका भवन। हमने वहां पर 4-बेडेड रूम लिया था जिसकी कॉस्ट हमें 1700 रुपये पड़ी एक दिन की। उसके अलावा हमने डोरमेट्री लिया था मनोकामना भवन में, जो कि माँ वैष्णो देवी के भवन के समीप ही है। उसका हमें 120 रुपये प्रति बेड के हिसाब से पड़ा। यात्रा को आप पैदल, पालकी द्वारा या फिर पोनी से पूरी कर सकते हैं, जिसका टैरिफ आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खाने पीने की भी पूरी यात्रा में कोई समस्या नहीं है। आपको जगह जगह काफ़ी फूड स्टॉल मिल जाएंगे जो कि श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित हैं, और इनका आप अगर रेट देखेंगे तो वो भी बहुत ही सामान्य है। चलिए आगे की यात्रा कवर करते हैं। जय माता दी। आप देख सकते हैं यह मनोकामना भवन, इसी के अंदर ज़्यादातर लोग रुकते हैं क्योंकि ये पास है भवन के। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा गीला हो रखा है। यहाँ का भोजनालय है जहाँ पर बहुत ही सस्ते दामों पर आपको अच्छा स्वादिष्ट खाना मिल जाता है। ये यहाँ से भैरव बाबा के लिए टिकट मिलती है ट्रॉली की, जो कि फ़िलहाल बंद है। बढ़ चले हैं भैरव बाबा की तरफ। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये जाता है सीधा भवन की ओर। हम माता के दर्शन कर चुके हैं और अब हमारा अगला पड़ाव है भैरव बाबा। जय माता दी। फिलहाल अब हम जा रहे हैं, इसको गंडोला बोला जाता है, रोपवे में। जस्ट अभी ओपन हुआ है, हमें लगा शायद ओपन नहीं होगा क्योंकि बारिश हो रही है, स्नोफॉल भी हुआ था थोड़ी देर पहले, लेकिन माता रानी ने हमें अच्छे दर्शन दिए। जो जो सोचा था वो सब इस वार के टूर में हो रहा है हमारे साथ। स्नोफॉल, बारिश, बिल्कुल भीड़ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आपको हम आगे दिखाएंगे गंडोला की यात्रा। आप देख सकते हैं आलम खुशखबरी है भाई, स्नो फॉल स्टार्ट, चीज के इंतजार हो गए यहां पे, अपने को बर्फ मिल गई। इसके अलावा हमारे एक दोस्त ने यहां पे तो नहीं आ रहा है, आप दिखा देंगे हम। अच्छा, ये का हाफ कोच है और जैसे देख पा रहे हैं यहां पे एक कोच से कितने लोग निकले। ओ मेरा बैग, मेरा बैग, मैं वीडियो बनाने में लगा हूं, मेरा बैग मेरे तक पहुंचा है। जैसे आप अभी यहाँ पे एक शोर मचा था कि यहाँ पे किसी का बैग रह गया और मेरा ही बैग निकला। स्नोफॉल, स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, देखिए स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की दोबारा से, थोड़ा पानी भी है लेकिन स्नोफॉल। मेरी मम्मी ने कहा अभी, मैंने भेजी थी वीडियो कि स्नो का है, स्नो को थोड़ा जमा होने में टाइम लगता है बट स्टार्ट हो चुकी है। आइए आपको आगे ले जाते हैं। ये वीडियो मैं अपनी मम्मी के लिए बना रहा हूँ जो कह रही है स्नो का है। देखिए मम्मी, स्नो पड़ रही है, नीचे देखिए आप जमा हो रही है, और ऊपर दिखाता हूँ आपको, देखिए स्नो ही स्नो, इसे बोलते हैं स्नो। अभी अच्छी खासी स्नो स्टार्ट हो गई है, अभी आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाके दिखा देते हैं। ये देखिए आप, यहाँ देखिए, देखिए स्नोफॉल, स्नोफॉल हो रही है, देखिए इनकी जैकेट पे। ये मेरे दोस्त हैं भैया, इधर देखो, ये देखो सर। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी स्नोफॉल और तेजी से पड़ रही है। पैंतालीस मिनट हो गए हैं, स्पीड इसकी है और तेजी से बढ़ रही है, शायद अब ये जमनी चालू हो जाएगी। बेंचेस पे जमनी जमनी चालू हो चुकी है। टोटल ब्लैक आउट बोला जाता है यहाँ पे, वाइट आउट हो गया है।
हम ऊपर आए थे, ये देखिए हमारे कुछ मित्र कैमरा ठीक करो फोटोग्राफी करते हुए, जैसा कि आशंका थी पूरा का पूरा जो भी यहाँ का दृश्य है स्नो फॉल से भर गया है। ये सामने भैरव बाबा का मंदिर आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल हमें आए हुए 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम भैरव बाबा के दर्शन करने अभी तक नहीं जा सके हैं, लेकिन अभी जाने वाले हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ से ईजिली भवन के दर्शन हुआ करते थे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ स्नो से भर चुका है। जय माता की, जय माता की। अभी हम भैरव बाबा के मंदिर में हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, नंगे पैर में दर्शन करने पड़ते हैं, उस कारण से आप समझ सकते हैं हमारे पैरों की क्या हालत होगी। बट इसका भी अपना अलग आनंद है। अभी यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि कटरा दिख रहा है, बहुत ही क्या शब्द होता है उसके लिए, अविस्मरणीय, अविस्मरणीय इज द राइट वर्ड। बहुत ही आनंद आ रहा है। जय माता दी। स्नोफॉल का पूरा आनंद लेते हुए लाए यहाँ के लोग। काफी तेज स्नोफॉल हो रहा है, माँ बाप भी, युवा भी, बुजुर्ग यहाँ कोई दिख नहीं रहा, बंद कर दो जरा वो, बुजुर्ग यहाँ कोई दिख नहीं रहा। आप देखिए श्रीनगर भी गए थे लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, हम गुलमर्ग गए हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वी आर विटनेसिंग। यस यस माय गॉड, देखिए देखिए इसके लिए हम सिर्फ फ्री में देखिए, इसके लिए हम सिर्फ शुक्रिया अदा करते हैं माता रानी, हमारी सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह सुबह ही मैंने माता से मांगा था, माता थोड़ी सी स्लो फॉल करा दो, माता ने कहा थोड़ी क्यों पूरी लो। जय माता दी, थैंक यू, जय माता दी। बर्फ का तूफान आ गया है, तूफान दर्द का गोला, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर ऐसा होगा, लेकिन हुआ 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 हुआ। जय माता, जय माता। ये मैसेज हम प्यारी फैमिली के लिए जिसको हम यहाँ पे बहुत मिस कर रहे हैं, अगर वो हमारे साथ होते, हमारा पूरा ग्रुप होता, पूरा ग्रुप होता तो मजा कुछ और ही होता, 100 गुना बढ़ जाता। क्यों हर्ष जी, अरे यहाँ पे रियलाइज हुआ कि हमें अपनी फैमिली के साथ ही आना चाहिए था, बट ड्यू टू कोविड रीजन हम आ नहीं पाए। अभी भी लाइव स्नोफॉल हो रही है और पूरा पूरा व्हाइट हो चुका है, लेकिन हम ये प्रॉमिस करते हैं हम सारे कि विद इन 1 ईयर हम अपने फैमिली के साथ ही आएंगे। माता मिस यू फैमिली, माता रानी से हमारी प्रार्थना यही है इसी टाइप का स्नो फॉल हमें दोबारा मिले फैमिली के साथ। ये बैक साइड वाइट हो चुका है, इसमें सब कुछ वाइट हो चुका है, ये देखिए, और पेड़ों के ऊपर भी, पेड़ों के ऊपर सफेदी छा गई है, फील हो रहा है कि शायद हम फैमिली को लेके आते हैं तो बच्चे स्नो में काफी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। कोई नहीं, माता रानी बच्चे और ज्यादा एंजॉय।
माता रानी हमें दोबारा बुलाओ। बिल्कुल, जैसे हमारी मनोकामना इस बार पूरी की है, अगली बार भी करेंगे। जय माता, जय माता, जय माता दी। आप देख सकते हैं रास्ते में, क्योंकि यहाँ पे शेड नहीं है, मैं भैरव बाबा से जा रहा हूँ भवन की तरफ। सारी बर्फ ही बर्फ है, यहाँ चलना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत फिसलन हो रही है। बाकी आप देख सकते हैं बहुत ही सुहावना मौसम बना हुआ है। अब बर्फ़ पड़नी थोड़ी कम हो गई है, बट फिर भी बर्फ अभी पड़ रही है। लगभग 2.5 घंटे हो गए हैं, 2.5 घंटे में आप देख सकते हैं रास्तों की क्या हालत हो गई है। आप अंगल जी कहाँ से आए हैं आप? मैं तो सर दिल्ली से आया हूँ। ओ दिल्ली से, हम भी दिल्ली से ही हैं। दिल्ली में कहाँ से? द्वारका। द्वारका, द्वारका मोड़। अच्छा आप, अरे क्या बात है। सेक्टर 19। अच्छा तो कब आए थे आप लोग? 22 तारीख को। हाँ अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बस टाइम ठंड थोड़ी ज्यादा लग रही है। अच्छा कोई नहीं, ऊपर आपको मजा भी आएगा। का बहुत मजा आ रहा है। वो ये जितनी डिफिकल्ट रास्ते में भी जर्नी होती है, उतनी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन भी होती है। अरे भाई एक बात बताऊं, हमारा भाई चलते हैं निकल जाएंगे आपसे दोबारा। मैं बता रहा हूं ना, जब कहता हूं बात मान नहीं, मान गया आप तेरी बात। इधर से चल YouTube उधर भी तो पता नहीं, वो कह रहा पूरा है। ओके जी, जय माता। ये वीडियो थोड़ा हटकर है, ये वीडियो बनाना भी एक ऐसी बीमारी है जिस धीरे धीरे सबको आ रही है। और मैं कोहली जी के माध्यम से ये बात बोलना चाहूंगा कि मेरा मन कर रहा है मैं इसमें से फिसलता हुआ नीचे जाऊं, लेकिन हम ही आपको फिसलने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी मौत हो सकती है। बिल्कुल, मैं अपने मौत को अपने गले नहीं लगाऊंगा, जब बुलावा आएगा तभी जाऊंगा। बोलो शकरा जकरा चेहरा वाली माँ की सांचे दरबार की। जय माता दी। तो हम बढ़ चुके रहे हैं कटरा की तरफ। जवान मेरी लड़खड़ा इसलिए रही है क्योंकि ठंड बहुत है। तो यात्रा हमारी बहुत सुखद रही, थकावट हमें 10% बोल सकते हैं कि थकावट हुई, अदरवाइज हमारा बहुत ही एंजॉयमेंट पूरा रहा। अभी कुछ मैं मैक्सिमम कवर कर ही चुका हूँ इस यात्रा का, तो आपसे अब हम मिलेंगे सीधा बाणगंगा पे। ओके जी, जय माता दी। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं बाणगंगा। देखा जाए तो हमने काफ़ी टाइम लगा उतरने में, इसका रीज़न यही है कि हमने 3 से 4 घंटे भैरव बाबा पे लगाए, क्योंकि वहाँ स्नोफॉल हो रही थी और मैं चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा स्नोफॉल और वहाँ का एरिया कवर किया जाए। बाकी आज की नाइट हमने निहारिका भवन में रूम लिया हुआ है 4-बेडेड, जो कि हमें 1800 रुपये का पड़ा। और इसके अलावा कल का हम देखते हैं क्या करना है, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है 3:30 बजे की है। तो आगे का अपडेट आपको हम कटरा सिटी से देंगे। जय माता दी, जयकारा शेरा वालिदा, बोल सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय। तो मेरे ख्याल से हमारा ये टूर अब तक का वन ऑफ द सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यस यस, क्योंकि हमने जो चाहा वो माता रानी की तरफ से हमें मिला। और एक सबसे खास बात जो अमित जी आप कह रहे थे बीच में, इस बार थकावट का पता ही नहीं लगा। हाँ। लगा ही नहीं कि हम लोगों ने 12 किलोमीटर चढ़ाई की, पता नहीं कि मौसम था, इतना स्नोफॉल या बीच बीच में हम काफी कुछ खाते पीते भी आ रहे थे। इसका भी एक वो है, ठीक है, रुके हम उतरते हुए बिल्कुल नहीं है, बस हमने 3 से 3.5 या 4 घंटे हमने भैरव बाबा पे बिताए। हमने अपनी जो है पूरी यात्रा चढ़ाई से लेके उतराई तक 25 घंटे के अंदर, क्योंकि हम बीच में सोए भी हैं, स्नोफॉल के मजे भी लिए, 4 घंटे हमने स्नोफॉल का मजा भी लिया है। प्रोग्राम ही ऐसा बनाया था कि सब कुछ रिलैक्स रहेगा, घूमने आए हैं तो ऐसा नहीं है कि हबड़ता रिलैक्स वही रहा। तो रिलैक्स की वजह से ही जो है हमें स्नोफॉल देखने के लिए बिल्कुल।
तो आशा करते हैं अगला भी ट्रिप माता रानी हमें जल्दी से जल्दी बुलाए और परिवार के साथ बुलाए। जय माता दी।